Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. My dear students, good morning. I am going to take your English class today. Now I start from lesson number 2, the return of iron giant. One evening, a farmer's son Hogarth was fishing in a stream that ran down to the sea. It was growing too dark to fish. His hook kept getting caught in bushes and weeds. So he stopped fishing and came up from the stream and stood listening to the owls in the wood further up the valley and to the sea behind him. Hush, said the sea, and again, hush, hush, hush. एक शाम किसान का बेटा हुगार्थ एक झील में मछलियां पकड़ रहा था जो नीचे समंदर की तरफ बैठा था। मछलियां पकड़ने के लिए अंधेरे बहुत बढ़ रहा था और इसका कांटा झाड़ियों में फंस रहा था। इसलिए उसने मछलियां पकड़नी रोक दी और झील से ऊपर आया और वादी में मजीद ऊपर और पीछे समंदर की तरफ उल्लुओं की आवाजें सुनने के लिए जंगल में खड़ा हो गया। हश, समंदर ने कहा, और दोबारा हश हश हश। हश का बच्चे मतलब है चुप, क्वाइट। अब सेकंड पैराग्राफ है, सडनली ही फेल्ट अ स्ट्रेंज फीलिंग, ही फेल्ट He was being watched. He felt afraid. He turned and looked up the steep field to the top of the high cliff. Behind that skyline was the sheer rocky cliff and the sea. And on that skyline, just above the edge of it, in the dusk, were two green lights. What were two green lights doing at the top of the cliff? अच्छा बच्चे, इस पैराग्राफ में है, अचानक से एक अजीब सा एहसास हुआ उसे। उसने महसूस किया कि उसे देखा जा रहा था। वो डर गया, वो मुड़ा और उसने ढलवान पर खेत के ऊपर ऊंची पहाड़ी की चोटी की तरफ देखा। इस स्काईलाइन के पीछे सिर्फ पथरीली पहाड़ी और समंदर था और इस स्काईलाइन के किनारे के बिल्कुल ऊपर अंधेरे में दो हरी रोशनियां थी। दो हरी रोशनियां पहाड़ी की चोटी पर क्या कर रही थी? इन थर्ड पैराग्राफ, Then, as Hogarth watched, a huge dark figure climbed up over the cliff top. The two lights rose into the sky. They were the giant figure's eyes. The giant black figure was taller than a house, black and towering in the twilight with green headlight eyes. The iron giant, there he stood on the cliff top, looking inland. Hogarth began to run. He ran and ran. Home, home, the iron giant had come back. अच्छा, फिर जब हुगार्थ ने देखा कि एक बड़ी काली शक्ल पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा, दोहरी रोशनियां आसमान में बुलंद हुई, वो इस बड़ी शक्ल की आंखें थी। वो बड़ी काली शक्ल एक घर से ज्यादा ऊंची थी। काली और हरी तेज रोशनी वाली आंखों के साथ धुंध में ऊंची कड़ी हुई लोहे का देव वहां वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। हुगार्थ ने भागना शुरू किया। वो भागता रहा और घर की तरफ दौड़ लगा रहा था। घर घर लोहे का देव दोबारा आ चुका था। फिर है फोर्थ पैराग्राफ में, हमने क्या पढ़ा है कि सो ही गॉट होम एट लास्ट एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ ही टोल्ड हिज डैड एन आयरन जाइंट। His father frowned, his mother grew pale, his little sister began to cry. His father took down his double-barreled gun. He believed his son. He went out, locked the door and got into his car. He drove to the next farm. फिर क्या हुआ कि जो है आखिरकार वो घर पहुंच गया और खांसती हुई लरजती सांस में अपने वालिद को बताया, एक लोहे का बड़ा देव, एक लोहे का आदमी, एक देवकामत आदमी, उसका वालिद जो है घूरा, उसकी वालिदा जर्द पड़ गई और उसकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने दो नाली वाली बंदूक निकाली। उसे अपने बेटे पर यकीन था। वो बाहर गया, दरवाजे को ताला लगाया और अपनी गाड़ी में बैठ गया और दूसरे किसान के पास गया। But that farmer laughed. An iron giant? Nonsense, he said. So Hogarth's father got back into his car. Now it was dark and it had begun to rain. He drove to the next farmer. That farmer frowned but believed
Tomorrow, he said, we must see what this iron giant is. His feet will have left tracks in the earth. लेकिन वो किसान हंसा, एक लोहे का देव, बकवास उसने कहा, यानी कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर इसी होगा के वाले दोबारा गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने सहन में गाड़ी मोड़ी, उसने सामने की रोशनी पर एक अजीब चीज देखी। आधा ट्रैक्टर वहां पड़ा था, सिर्फ आधा, और बाकी आधा गायब था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और इस दौरान वो दूसरा किसान भी आ गया। उसने ट्रैक्टर को लोहे में दो बड़े दांतों के निशान के साथ चबाया गया था। No explanation, the two men looked at each other. They were puzzled and afraid. What could have bitten the tractor in two? There, in the yard, in the rain, in the night, while they had been talking inside the house. कोई वजाहत नहीं, दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो उलझन का शिकार थे। किसी ने ट्रैक्टर को दो हिस्सों में काटा, सहन में, बारिश में, रात में, जबकि घर के अंदर दोनों बातें कर रहे थे। The farmer ran into the house and bolted his door. Hogarth's father jumped into his car and drove off into the night and rain as fast as he could to homeward. The rain poured down. Hogarth's father drove hard. The headlights lit up the road and bushes. किसान भाग कर घर के अंदर गया और कुंडी चढ़ाई। Hogarth वालिद की गाड़ी में कूदा और रात और बारिश में जितना तेज चला सकता था घर की तरफ गया। अचानक उसने आगे दो रोशनियां एक ऊंचे दरख्त के ऊपर सड़क के किनारे देखी, और Hogarth के वालिद ने देखने के लिए कि इस दरख्त के सिरे पर रोशनियां किस चीज की हो सकती थी, उसने दरख्त के अंदर नजर डाली। जब वो आहिस्ता हो गया, सडनली ही सॉ टू हेडलाइट्स इन अ टॉल ट्री टॉप At the roadside ahead, Hogarth's father slowed, peering into the dark to see what the light might be. Up there in the treetop, as he slowed, a giant iron foot came down in the middle of the road, a foot as big as a single bed, and the headlights came down closer. And a giant hand reached down towards the windshield, the iron giant. अच्छा क्या हुआ कि अचानक जो है उसने आगे दो रोशनियां एक ऊंचे दरख्त के ऊपर सड़क के किनारे देखी। Hogarth के वालिद ने यह देखने के लिए कि इस दरख्त के सिरे पर रोशनियां किस चीज की हो सकती थी, उसने दरख्त के अंदर नजर डाली। जब वो आहिस्ता हुआ, उसने लोहे के देव का पांव सड़क के दरमियान आते एक चरपाई जितना बड़ा पांव और रोशनियां करीब आई, और देव के हाथ गाड़ी के शीशे की तरफ पहुंचे। लोहे का देव। Hogarth फादर पुट ऑन स्पीड, ही एम्ड हिज car at the foot. Crash! He knocked the foot out of the way. He drove on faster and faster, and behind him on the road a clanging, clattering boom went up as if an iron skyscraper had collapsed. The iron man with his foot knocked from under him and had stopped over, and so Hogarth's father got home safely. Hogarth के वालिद ने रफ्तार बढ़ाई, उसकी गाड़ी पांव की तरफ थी। क्रैश, उसने पांव रास्ते से हटाया, वो तेज से तेज चलता रहा, और उसके पीछे सड़क पर एक तेज बुझती हुई आवाज गरजी, जैसे लोहे की ऊंची चीज गिर गई हो। लोहे का आदमी अपने पांव समेत गिर चुका था, और इस तरह Hogarth का वालिद हिफाजत से घर पहुंच चुका था। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द फार्मर्स वर शाउटिंग विद एंगर, Where were their tractors? Their earth diggers, their plows, their harrows. From every farm in the region, all the steel and iron farm machinery had gone. Who had stolen it all? अगली सुबह सारे किसान गुस्से से चीख रहे थे। उसके ट्रैक्टर किधर थे? उनकी जमीन खोदने वाले, उनके हल, उनके दंदानदार सराउंड इलाके के हर इलाके से सारे स्टील और लोहे की मशीनरी गायब थी। कहाँ गई? किसने ये सब चुराए? देयर वॉज अ क्लू हेयर एंड देयर ले हाफ अ व्हील और हाफ एन एक्सल और हाफ अ मडगार्ड कार्व्ड विद जॉइंट टूथ मार्क्स वेयर इट हैड बीन बिटन ऑफ। हाउ हैड इट बीन बिटन ऑफ? स्टील बिटन ऑफ। व्हाट हैड हैपेंड? देयर वॉज अनदर क्लू। एक निशानी थी
यहाँ वहाँ देव केदार के निशानों के साथ आधा पहिया या आधा मडगार्ड पड़ा हुआ था। ये कैसे काया गया और कैसे जो है ये क्या हुआ था और कैसे इसको काया गया था, एक और निशानी थी। फार्मर फ्रॉम फार्म टू फार्म ओवर द सॉफ्ट सॉइल ऑफ द फील्ड वेंट जॉइंट फुटप्रिंट्स ईच वन ऑफ द साइज ऑफ अ सिंगल बैग। द फार्मर्स इन अ फ्राइटेंड साइलेंट अमेज्ड क्राउड फॉलोड द फुटप्रिंट्स एंड एट एवरी फार्म द फुटप्रिंट्स विजिटेड। All the metal machinery had disappeared. Finally, the footprints led back up to the top of the cliff where the little boy had seen the iron giant appear the night before when he was fishing. The footprints led right to the cliff top, and all the way down the cliff were torn marks on the rocks where a huge iron body had slid down below the tide was in. The grey, empty, moving tide, the iron giant had gone back into the sea. और जब वो मछलियां पकड़ रहा था, कदमों के निशान ठीक पहाड़ी की चोटी तक गए थे और पहाड़ी से नीचे सारे रास्ते पर चट्टानों पर टूटे फूटे निशान थे जहां से एक देवकामत लोहे का जिस्म लड़का हुआ था। जैसे नीचे नहर बह रही थी, एक उदास खाली बहती हुई लहर लोहे का देव समंदर में वापिस जा चुका था। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज हुगाथ एंड व्हाट वाज ही डूइंग ऑन द इवनिंग एट द स्ट्रीम। इसका मतलब है कि हुगाथ कौन था और वो इवनिंग के टाइम में स्ट्रीम के साथ क्या कर रहा था। हुगाथ वाज अ फार्मर सन एंड ही वाज फिशिंग ऑन दैट इवनिंग एट द स्ट्रीम। यानी वो फिशिंग कर रहा था और वो फार्मर किसान का बेटा था, फार्मर सन। Hogarth was a farmer's son and he was fishing on that evening at the stream. Question number 2. What did Hogarth watch over the cliff top? Hogarth ne bilkul top mein jo dalwan thi uske top pe kya dekha? Hogarth saw that a huge dark figure climbed over the cliff top. Usne kya dekha? Ek bahut bada dark ek devkamat usne dekha. एक जो है ह्यूज डार्क फिगर क्लाइंब ओवर द क्लिफ टॉप। फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री में है व्हाट डिड हुगार्थ्स फादर डू व्हेन ही वाज टोल्ड अबाउट द आयरन जायंट। क्या हुआ कि हुगार्थ्स फादर ने क्या किया जब जो है व्हेन उसके बेटे ने जब उसको पूरी कहानी सुनाई आयरन जायंट के बारे में। Hogarth's father took down his double-barreled gun when he was told about Iron Giant. उसने अपनी जो बंदूक थी वो निकाली और Iron Giant के बारे में जैसे ही उसने सुना। फिर question number 4. What did the two farmers say when they were told about the Iron Giant? जब farmer ने दूसरे farmer उनको जब पूरी कहानी सुनाई Iron Giant के बारे में बताया तो उन्होंने क्या कहा? When the farmers were told about the iron giant, पहले वाले फार्मर ने क्या कहा? The first one said nonsense, and the second one said that they must see the iron giant in the morning. ठीक है, दोनों ने ये जवाब उनको दिया। फिर question number 5. What did Hogarth's father see when he came out of the farmer's house? अच्छा, जब वो फार्मर के घर से वापस आ रहा था तो Hogarth's father ने क्या देखा? When Hogarth's father came out of the farmer's house, he saw a half tractor and the other half was missing. उसने क्या देखा कि ट्रैक्टर का हाफ हिस्सा था और हाफ हिस्सा जो था वो गायब था, मिसिंग था। क्वेश्चन नंबर 6. Why were the farmers shouting next morning? अगली सुबह फार्मर्स क्यों चिल्ला रहे थे? The farmers were shouting the next morning because their tractors, आर ड्रिगर्स, प्लॉज एंड हैरोज आर ऑल गॉन। क्योंकि उनकी जितने भी ट्रैक्टर थे, उनके जो खुदाई का जितना भी सामान था, उनके हल वगैरह जो थे वो सारे गायब थे। क्वेश्चन 7. इज द रिटर्न ऑफ आयरन जॉइंट अ फिक्शन और अ रियल स्टोरी? गिव रीजंस। अच्छा, फिक्शन जो है वो क्या है? ये एक इमेजिनरी, एक हमारी ख्यालात होते हैं, इमेजिनरी पीपल एंड इवेंट्स होते हैं जो कि रियल नहीं होते, रियलिटी पे बेस नहीं होते। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो रिटर्न ऑफ आयरन जायंट जो है ये फिक्शन है
कि ये हकीकी कहानी है, रियल स्टोरी है. द रिटर्न ऑफ आयरन जायंट इज अ फिक्शन स्टोरी बिकॉज आयरन जायंट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. आयरन जायंट क्या है, ये फिक्शन स्टोरी है क्योंकि इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है आयरन जायंट का. क्वेश्चन नंबर 8. इफ एन आयरन जायंट अपीयर्स व्हाट शुड वी डू. अगर आयरन जायंट एकदम से नमूदार हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए. If an iron giant appears, we should hide all our irons and steel machinery. तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे iron giant appear हो जाता है तो हमें जो लोहे की चीजें और जो स्टील की चीजें हैं, मशीनरीज हैं, उनको छुपाना चाहिए. अच्छा, इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2. यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ओन. कुछ वर्ड बच्चे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसके सेंटेंसेस जो है हमने बनाने हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड है बिटन ऑफ. बिटन ऑफ का क्या मतलब है, दांत से काटा हुआ. जो चीज जो दांत से काटते हैं उसको हम कहते हैं. ऐसे अगर सेंटेंस अगर हमने बनाना है इस तरह भी बना सकते हैं, द ट्रैक्टर वॉज बिटन ऑफ इन हाफ बाय द आयरन जायंट. जो ट्रैक्टर था उसका हाफ जो था हिस्सा उसको काटा गया था या हड़प कर दिया था या निगल लिया था. ठीक है, एक जो है सेकंड वर्ड है एज बिग एज अ सिंगल बेड. तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि ये कितना, यानी इतना बड़ा है जितना एक सिंगल बेड होता है. ठीक है, द फुट ऑफ द आयरन जॉइंट वॉज एज बिग एज अ सिंगल बेड. इस तरह भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आप इसके अलावा आप बनाएं ताकि इसकी मीनिंग्स आपको और भी वाजह हो जाए. नंबर थर्ड वर्ड है इन द डस्क. इन द डस्क का क्या मतलब है, तारीकी अंधेरे में. आई सॉ लाइन बिहाइंड द ट्री इन द डस्क. इसके अलावा और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप लोग मीनिंग्स यहाँ पे नोट करें और उसके मुताबिक फिर आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस खुद बनाने हैं. फिर फोर्थ वर्ड है टॉपल्ड ओवर. टॉपल्ड ओवर का मतलब है गिर जाना. ठीक है, फिफ्थ है गैस्पिंग फॉर ब्रीथ. गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, हांपना. ठीक है, इसका मतलब है हांपना. इंसान बहुत ज्यादा अगर भागे तो उसकी सांस अकड़ जाती है, इसका मतलब है हांपना, हांपता हुआ. गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, हांपता हुआ. हेडलाइट्स. हेडलाइट्स का क्या मतलब है, हेडलाइट्स गाड़ी के आगे वाले जो लाइट्स है उसको हम हेडलाइट्स कहते हैं. ठीक है, फिर है सिक्स्थ वर्ड है बोल्टेड. बोल्टेड का मतलब है फरार हो जाना. द थीफ बोल्टेड थ्रू द बैक डोर और द थीफ बोल्टेड थ्रू द विंडो. यानी वो विंडो के जरिए, खिड़की के जरिए या पीछे के दरवाजे से चोर भागा. फाइनली आखिरकार. ठीक है, इन जो है मीनिंग्स के मुताबिक आपने इसके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं. फिर है गेस मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग बाय लुकिंग फॉर द क्लूज इन द टेक्स्ट. अब यहाँ पे आप देखें तो आपको जो है, अब हश का क्या मतलब है, फर्स्ट वर्ड क्या है, हश का मतलब है क्वाइट, चुप. ठीक है, रॉकी का क्या मतलब है, कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, टिटानों से, डलवानों से जो मिलकर बना होता है इसको रॉकी कहते हैं. टावरिंग किसे कहते हैं, टावरिंग वेरी टॉल. टावरिंग का मतलब है वेरी टॉल. इसी तरह फोर्थ वर्ड है लुकिंग इनलैंड. लुकिंग इनलैंड का मतलब क्या है कि वैली की तरफ देखना. लुकिंग इनलैंड, वैली की तरफ देखना या अंदर की तरफ देखना इंटरनली. ठीक है, फिर है ट्रैक्स. ट्रैक्स कहते हैं रास्ते को. जैसे यहाँ पे देखें आप जो है क्या देखेंगे कि जो है रास्ता जिस पे हम वॉक करते हैं, वॉकिंग ट्रैक भी हो सकता है. ठीक है, इसी तरह बोल्टेड. बोल्टेड अभी मैंने बताया है, दोबारा ये वर्ड आया है. बोल्टेड का मतलब होता है फरार हो जाना. फिर है ट्री टॉप का क्या मतलब है, ट्री टॉप कहते हैं जो दरख्त का ऊंचा हिस्सा होता है. और विंडशील्ड कहते हैं गाड़ी का विंड स्क्रीन, यानी सामने वाला शीशा जो हवा को रोकता है. रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. ऑल्सो टेल वेदर दे आर डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस.
अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है कि लेसन के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें फिर आपने देखना है कि टॉपिक सेंटेंस इसमें कौन सा है और इसके सपोर्टिंग डिटेल्स इसकी क्या है, क्या इसमें डेफिनेशन है, इसमें एग्जाम्पल दी हुई या एविडेंसेस दी हुई है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं? द टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, इट इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। हमेशा टॉपिक सेंटेंस जो है वो मेन आइडिया होता है पैराग्राफ का, और ये अक्सर जो है फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। इट हैज स्पेसिफिक वर्ड वर्ब्स एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब दूसरे साइड पे हम देखेंगे कि लाइब्रेरी स्किल्स, यहाँ पे हम दिया हुआ है कि द आयरन जॉइंट इज अ साइंस फिक्शन रिटन बाय टेड हॉगीज, गो टू द लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द बुक टू रीड द होल स्टोरी, रीड द ब्लर टू गेट अ क्लियरर आइडिया ऑफ द स्टोरी, राइट द थीम और मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। बच्चे अब आपने इसको खुद करना है क्योंकि आप लेसन पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा भी आप पढ़ें और उसमें आपसे पूछा गया है कि जाके पहले तो लाइब्रेरी जाके जो है फाइंड आउट द बुक्स टू रीड द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी को पढ़ने का देखिए बुक्स निकालें, दूसरा ये कि रीड द ब्लर्ब टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ द स्टोरी, और ब्लर्ब जो बुक का जो बिल्कुल एंड होता है उसमें सारा डिटेल होता है उसको पढ़ें, और उसके बाद राइट द थीम ऑफ और मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी का जो मेन आइडिया है थीम है उसको लिखना है। इसके बाद एक्सरसाइज है डिक्शनरी स्किल्स, मैच द वर्ड्स विद देयर डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स। यहाँ पे आपको दो जो है मीनिंग्स नजर आ रही है, वर्ड्स नजर आ रहे हैं और उसके सामने उनकी मीनिंग्स हैं, तो हमने मैच करना है कि कौन जो है इसके साथ जो है यहाँ पे करेगा। ठीक है, इसके साथ करते हैं। ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम का क्या होगा मीनिंग? ऑप्टिमम का मतलब है द बेस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमम का मीनिंग ये है द बेस्ट पॉसिबल। सेकंड वर्ड है प्रॉपर, प्रॉपर का होगा अप्रोप्रिएट। नंबर थ्री जो है इनरिच्ड, इनरिच्ड का क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ थिंग बाय एडिंग समथिंग। फिर फोर्थ है अबंडेंट, अबंडेंट का होगा मोर देन एनफ। इंटेंट means showing strong interest। इसी तरह इसके बाद आता है punctuation skills, consonants हैं और नीचे letters है F, V, S, Z, O और ये Z है। ठीक है, अब यहाँ पे letter देखिए F, V, C और S को मिला के F का S, Z है, फिर punctuation skills हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स से कि एफ एन एस जेड ओ जी, लेटर्स क्या है एफ वी सी स्लैश एस एस स्लैश जेड टी एच टी एच। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं जिसको फ्रिकेटिव कहते हैं। फ्रिकेटिव इज अ स्पीच साउंड मेड बाय फोर्सिंग ब्रीथ आउट थ्रू अ नैरो स्पेस इन द माउथ विद द लिप्स टीथ और टंग इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल एफ एंड एस इन फी एंड शी। यानी इसके साउंड आप देखिए एफ की क्या साउंड है, फी की साउंड देता है और एस की साउंड शी के साउंड देता है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हुए हम देखते हैं इसको। अब देखते हैं देखिए फियर्स, आफ्टरवर्ड्स, क्राफ्ट्समैन, रीफ। यहाँ पे देखिए सब में एफ एफ की जगह पे देखिए तो यहाँ पे स्पीच साउंड जो है वो तब ये बनता है जब हम सांस पे क्या करते हैं फोर्स डालते हैं और उसको फिर हम जो नैरो स्पेस है उसके जरिए माउथ का जो नैरो स्पेस है उससे निकालते हैं लिप्स के जरिए टीथ और टंग के जरिए एक खास पोजीशन में। फिर है वी, विटामिन, डाइवर्ट, रेवन, स्टोव, वी पे ही प्रेशर आ रहा है। फिर एस है सॉलिट्यूड, रूस्टर, जैस्मीन, स्टैंड, अब एस पे सारा प्रेशर आ रहा है। जेड का है जेब्रा, डिजायर, गॉसबेरी, फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे फ्रेज में जेड का साउंड दे रहा है, यहाँ पे आता स्पेलिंग में एस है लेकिन जेड का साउंड दे रहा है। इसी तरह थीम, ये देखिए टी एच, एथ्रियल, अर्थमेटिक, हेल्थ। फिर यहाँ पे देखिए दोज, विदहोल्ड, ये टी एच का साउंड दे रहा है, रिदम, ब्रीदिंग। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं, रीड दीज टंग ट्विस्टर्स। रीड
read these tongue twisters. A tongue twister is a phrase in any language that is designed to articulate sounds properly. यानी जितने भी words के जो sounds हैं उसको articulate करें, एक दूसरे के साथ interrelated हों, जुड़े हुए हों. नंबर वन लाइन अगर आप देखें, अ वैक्सीन फॉर वेनम इज वेरी कन्वीनियंट. फारूक फेल्ट फटीक्ड आफ्टर द फन फेयर. सलमान स्टडीज फ्रॉम 6 to 7 समटाइम्स. द मंथ ऑफ रमजान इज रादर सूदिंग एंड हेल्थ गिविंग. थीम्स ऑफ थ्रिलिंग स्टोरीज थ्रिल द रीडर्स विद अ थ्रॉन्ग. ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, आर्टिकुलेट साउंड ये देते हैं. फिर है लैंग्वेज स्टडी. लैंग्वेज स्टडी में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हैं. सिंगुलर नाउन क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर. एग्जांपल वाय और बुक. अब देखें सिंगुलर एक को कहते हैं, वाहिद को कहते हैं, एक इंसान एक चीज एक जगह जो है वो सिंगुलर होता है. अब यहाँ पे रेगुलर प्लूरल्स देखें. नंबर वन है वी कैन फॉर्म अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. हमेशा प्लूरल नाउन के साथ हम एस लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन बनेगा. जैसे बॉय के साथ एस लगा दिया, बॉयज, पेन पेन्स, गर्ल गर्ल्स, काउ काउस. सारे फोर के जितने फोर नाउन्स हैं सब के साथ एस लगा के इसको प्लूरल बना दिया गया है, प्लूरल नाउन बन गया. नंबर टू है वी कैन फॉर्म अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग ई एस इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, एस एच, सी एच और एक्स. अच्छा, बस वर्ड्स का एंड जो है जिस एस पे खत्म हो, या एस एच पे, या सी एच पे, या एक्स पे. जैसे क्लास क्लासेस, ब्रश ब्रशेस, मैच मैचेस और टैक्स टैक्सेस. इसी तरह नंबर सी की तरफ आते हैं. मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन. या बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग ओ पे खत्म होती है तो उसके लिए हम ई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा. जैसे पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, मैंगो मैंगोस. डी की तरफ आए तो डी में आप देखेंगे सम नाउन्स एंडिंग इन ओ आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस. सिंगुलर नाउन जैसे पियानो किलो फोटो, तीनों के एंड में ओ आता है तो उसके साथ हमेशा हम एस लगाएंगे. पियानो का पियानोस, किलो किलोस, फोटो फोटोस. Noun ends in y preceded by a consonant. Consonant plus y form their plural by changing y into I and adding es. Singular noun baby है तो babies आ जाएगा, y हट के is आ जाएगा. इसी तरह lady है तो ladies आ जाएगा, army है तो armies. यानी सारे वाय हट जाएंगे और उसकी जगह पे आई ई एस आ जाएगा. फिर है इररेगुलर प्लूरल्स. प्लूरल क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल. एग्जांपल्स बॉयज बुक्स एटसेट्रा. यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि वो नाउन जो कि एक से ज्यादा पर्सन प्लेस और थिंग को डिनोट करे वो प्लूरल कहलाता है. अब इररेगुलर प्लूरल्स क्या है? इररेगुलर प्लूरल्स में नंबर वन है इन अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई वी ड्रॉप एफ और एफ ई एंड एड वी एस टू फॉर्म प्लूरल. हम क्या करेंगे? जिन वर्ड्स के एंड में ई आता है या एफ आता है या एफ ई आता है तो उसको ड्रॉप कर लेंगे और उसकी जगह पे हम लगाएंगे वी ई एस. जैसे लाइफ लाइव्स, लीव लीव्स, हाफ हाफ. इसी तरह फिर बी
पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि वी कैन फॉर्म प्लूरल ऑफ अ फ्यू नाउन्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल ऑफ द सिंगुलर. क्या है, जैसे मैन है तो क्या हो जाएगा, इसको टोटली चेंज हो जाएगा और इसका जो है मैन बन जाएगा. यानी प्लूरल हम बनाएंगे कुछ नाउन्स के अगर उनके इनसाइड वाउल को हम चेंज कर दें. अब है फुट है तो फीट हो जाएगा, टूथ है तो टीथ हो जाएगा, और माउस है तो माउस बन जाता है. फिर दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं वी कैन फॉर्म प्लूरल ऑफ अ फ्यू नाउन्स बाय एडिंग ई एंड टू द सिंगुलर. इसको हम सिंगुलर में जो है कैसे चेंज होगा प्लूरल फॉर्म में, ऑक्स है तो ऑक्सन बन जाएगा और ई एन इसके साथ आ जाएगा, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन यानी आर ई एन इसके साथ आ गया तो चिल्ड्रन बन जाएगा. वी एड आर ई एन टू चाइल्ड टू मेक इट्स प्लूरल चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन चाइल्ड के साथ आर ई एन को उन्होंने ऐड किया है और उससे चिल्ड्रन बन गया. फिर है डी पॉइंट, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन्स क्या है उनकी जो है सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है. जैसे शीप का प्लूरल नाउन भी शीप ही है, सिंगुलर नाउन डियर है तो प्लूरल नाउन भी डियर ही होगा, फिर सिंगुलर नाउन फिश है तो उसका भी प्लूरल नाउन फिश होगा. चेंज नंबर फॉर्म सिंगुलर ऑफ प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल ऑफ सिंगुलर नाउन्स. अब देखिए इधर देखिए, काउ, बेंच, डिशेस, वॉच, हीरो, लोगो, स्टोरीज, वुल्फ, वुमेन, चिल्ड्रन, ये आपने खुद करना है. मिक्स दिया हुआ है, जो सिंगुलर है उसको प्लूरल में चेंज करना है और जो प्लूरल है उसको सिंगुलर में चेंज करना है. सिंगुलर नाउन्स दैट लुक प्लूरल, इसमें आप देखें सम नाउन्स लुक प्लूरल बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर. दीज नाउन्स आर गिवन बिलो, दीज नाउन्स आर गिवन बिलो. इट्स नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टेटिस्टिक जो आपको प्लूरल नजर आएंगे लेकिन बेसिकली वो होते क्या है सिंगुलर होते हैं. स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा. इसी तरह नेम ऑफ सम डिजीजेस, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स. नेम ऑफ सम गेम्स, बिलियर्ड, ड्राउट्स. फिर है वर्ड न्यूज, न्यूज जो है वो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे जो है प्लूरल नजर हमें आता है. ठीक है, इस नाउन हैविंग ओनली प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन के जो है प्लूरल फॉर्म होते हैं, जैसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, जैसे बेलो, सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स. ये क्या है, ये सारे प्लूरल में हम इसको लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं. फिर भी है नेम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ट्राउजर्स, जीन्स, शर्ट्स, पजामास. इसी तरह सम अदर नाउन्स जैसे एनल्स, थैंक्स, ये सारे जो है प्लूरल फॉर्म होता है, इन नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं. फिर आई यूज द फॉलोइंग नाउन्स इन योर ओन सेंटेंसेस. बच्चे आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, फिजिक्स, मम्स, बिलियर्ड्स, स्पेक्टिकल्स, पजामास. बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और इजीली आप इसकी जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं. फिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. रीड द फॉलोइंग, आई एम उमर जमील, हाउ हैव यू बीन, बादशाही मॉस्क, ओपन द डोर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज. यहाँ पे दिन बता रहे हैं कि सेंटेंसेस जो है ये कौन कौन से सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो है एक स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, इट स्टेट्स अ फैक्ट, बिलीव और एन ओपिनियन, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, इसी तरह दूसरा यहाँ जैसे आई एम उमर जमील, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में किसी दूसरी बात की गुंजाइश ही नहीं है. फिर दूसरा जो वर्ड है ये सेंटेंस आप देखिए, हैव यू सीन बादशाही मॉस्क. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है,
जिसमें आप सवाल या जुमला, जिसमें आपसे सवाल किया जाता है, कुछ पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और हमेशा इसका एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क जो आपको नजर आ रहा है, इससे आपको पता चलता है कि ये सवाल या जुमला है। फिर है नंबर थर्ड है ओपन द डोर। ओपन द डोर में आप देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंपेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स अ कमांड, या आपसे इल्तिजा की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, या आपको कमांड दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इसका भी एंड फुल स्टॉप से होता है। फिर है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको जो एंड में मार्क नजर आ रहा है ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, तो इस इन सेंटेंसेस की मेरे आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। और यहाँ पे आगे हम अब देखेंगे मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एज डिक्लेरेटिव डी, इंट्रोगेटिव आई एन टी, इम्पेरेटिव आई और एक्सक्लेमेटरी ई बाय सर्कलिंग द प्रॉपर सिंबल। जैसे फर्स्ट वन है सिट डाउन, सिट डाउन, ये कौन सा होगा? सिट डाउन ये कौन सा सेंटेंस जो है सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आपको एक ऑर्डर दिया जाता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड इसका है Where are you going? यहाँ एंड में आप देखिए क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आपने इंट्रोगेटिव आई एंड टी को सर्कल करना है। फर्स्ट में आई को सर्कल करना है, सेकेंड में आई एंड टी को करना है। फिर है थर्ड सेंटेंस आपका है Please give me my shirt. अब यहाँ पे देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है, तो क्या होगा ये? रिक्वेस्ट की जाती है तो क्या होगा ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर है ओह आई फॉरगॉट टू टेल यू, यहाँ पे आप देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसी तरह पाकिस्तान कैन विन द मैच, पाकिस्तान कैन विन द मैच, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, पाकिस्तान जो है कैन विन द मैच। फिर राइट टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। आपके लिए यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं कि इसमें आपने जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे आपने लिखने हैं। नंबर वन जैसे इस्लाम है, इस्लाम में आप लिखेंगे इस्लाम इज आवर रिलीजन। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए क्या होगा? पाकिस्तान इज आवर कंट्री। ठीक है, फिर राइट डाउन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो एंड योर सेंटेंस इज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स जरूर लगाने हैं। जैसे व्हेन है, तो व्हेन का व्हेन डिड ही कम होम, वो कब घर वापस आया, और एंड में कौन सा पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। फिर वेयर जो सेकंड वर्ड है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर है राइट डाउन टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। अब क्लोज है, क्लोज द डोर, सेकंड वर्ड क्या है? रीड, रीड दिस बुक, और फिर आखिर में है यूज द वर्ड गिवन बिलो टू मेक टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। उसमें आप देखें तो आपको दो वर्ड्स इधर भी हैं, एक है हुर्रा, हुर्रा का खुशी का एक है फीलिंग है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। फिर दूसरा क्या है? एलास आई डिड नॉट कम्प्लीट माई वर्क, ये अफसोस मैंने अपना काम खत्म नहीं किया। पंक्चुएशन की तरफ आते हैं, इसका सेकंड है कैपिटलाइजेशन, जो कि हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है। नंबर वन कैपिटलाइजेशन क्या है? द नेम्स ऑफ स्पेशल प्लेसेस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, हमेशा
जो खास जगह हैं उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल्स, बादशाही मॉस्क, दुबई, शॉपिंग सेंटर एटसेट्रा, जैसे पाकिस्तान हो गया, होली कुरान हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया. इस तरह बी पॉइंट है, एवरी की वर्ड ऑफ द टाइटल ऑफ बुक स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. एग्जांपल्स, प्राइड एंड प्रीजुडिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एटसेट्रा. कोई भी टाइटल बुक है उसका भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. फिर सी है, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड एंड ऑल नाउन्स इन द सैल्यूटेशन एंड द फर्स्ट वर्ड इन द क्लोजिंग ऑफ अ लेटर. क्या है कैपिटलाइज, हम फर्स्ट लेटर को कहते हैं. जैसे गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग में जी बड़ा हो जाएगा, गुड इवनिंग हो गया, गुड बाय हो गया, ठीक है. फिर डी है, व्हाइल राइटिंग द नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेजेस द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. हमेशा जैसे हमारे जो कौम के लिहाज से या हमारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानीज है, जापानीज हो गया, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. फिर आखिर में है द टाइटल ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आर कैपिटलाइज. मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो है हम कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे. जैसे एग्जाम्पल से बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, करेक्टर सर्टिफिकेट, इनके भी हमेशा जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे. यूज कैपिटलाइजेशन इन द फॉर्मिंग. अच्छा, ये पूरा जो पैराग्राफ है आपने खुद करना है, क्योंकि आगे ऊपर आपने सारा कुछ पढ़ लिया है इसलिए आपको समझ आ गई होगी. तो जो पूरा जो पैराग्राफ है उसको आप खुद करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए. वन डे I went to Urdu Bazaar to buy some books like a visit to hill station and language and literature etc. When I went to Iqbal Park, I met Ali who had arrived from abroad. He could speak English, Arabic and Italian. He wanted to get some forms like domicile, marriage certificate and birth certificate etc. I helped him in his work. After that, we went home happily saying good evening. Each other. अब इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा. ऊपर हमने बड़े डिटेल से इसको पढ़ा है, तो इसमें जितने भी आपने नाम देखे हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, या इनमें जितने भी जो है डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं, या जो ग्रीटिंग्स वगैरह आपको नजर आएंगे, सबको आपने कैपिटलाइज करना है. आखिर में एक है क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में राइट टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर द फॉलोइंग टॉपिक्स. इसमें आपने थोड़ा सा पैराग्राफ आपने लिखना है. जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है माय हाउस, और सेकंड है द आयरन जॉइंट. इनके बारे में जो है पढ़ना है, और उसके बाद उस टॉपिक पे आपने पैराग्राफ लिखना है. इनकी जो टॉपिक सेंटेंसेस है वो आपको मेन आइडिया देगा, और इसके अलावा जो सपोर्टिंग डिटेल्स है उससे आपका पैराग्राफ डिटेल के साथ आप उसके बारे में तलिक लिख सकेंगे. उम्मीद है आपको इस लेसन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. बच्चे, अल्लाह हाफिज़.